होगा भाई, सीन होगा कुछ, मुझे लग रहा पुलिस ही पुलिस है। चेक करो ये क्या हो गया सस्ता। ओ फक, एक्सीडेंट हो गया भाई। गाइस फिलहाल तो पासवर्ड का काम हुआ नहीं, तो भाई उन्होंने बोला कि पासबुक लेके आओ, अब जाओ जहाँ मर्जी से लेके आओ। सर पोस्ट ऑफिस किस साइड होगा? यहाँ यहाँ से ऊपर को चलो जी। चल रहा चाचे तेरे को भाई। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे कॉर्नर इस व्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम लोग मनाली से वापस आ चुके हैं। तो भाई आज आपका भाई फिर निकला है मंडी के लिए, क्योंकि भाई मेरे को काम है, पासपोर्ट का कुछ है चक्कर, तो उसके लिए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो बाकी भाई सुबह सुबह ही ना हमारे साथ हो गया कांड। जाओ चेक करो भाई हमारा क्या सीन हुआ, कि जो अपने बाइक थी ना, बाइक का पता नहीं किसी ने हवा हुआ निकाल दी थी। तो उस चक्कर में जैसे मैं बाइक लेके वहाँ पंचर की शॉप पे पहुँचा, तो वहाँ पे लगा पता कि हमारी तो भाई जो होती है ना आगे वाली नल की जैसी होती है जो ट्यूब की, वो ही टूट गई है, किसी ने ना टेडी कर दी है। तो भाई फिर से, तो फिर हमें पड़ा सुबह ही भाई मोटा खर्चा कि हमें पड़ी नई ट्यूब डलवाने। और उसके बाद अब मैं हो चुका हूँ लेट। वैसे मेरा प्लान था कि 7 बजे तक मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। बाकी मेरे जूते भी घर पर ही रह गए हैं सारे। यहाँ पे जूते मेरे पास वो थे जो दूसरे होते हैं ना पैंट पुंट पे पहनने वाले, वो यार। फिर मैं अब चप्पल में जा रहा हूँ यहाँ से। और इतने दिनों के बाद बाइक चला के, एक तो ना रात को जैसे मैंने बाइक देखी ना भाई, दिमाग ही ख़राब हो गया। क्योंकि आपको पता है कि चीज़ जब ख़राब खड़ी हो ना, तो फिर आपको पता है मूड कैसा सा हो जाता है। फिलहाल तो भाई हम लोग निकल रहे हैं गेड़े गेड़े में ही, क्योंकि भाई हमें ना पहुंचना है जल्दी, तो जितना जल्दी हो सके ना, क्योंकि पहले लेट हो गया। अगर बाइक ठीक होती ना तो मैं उठ तो 7 बजे गया हूँ भाई। 7 बजे का ढूंढ रहा हूँ मैं यहाँ पे कोई पंचर वाला मुझे मिल जाए, जो मिला मुझे तो फिर भाई ट्यूब भी बड़ी चेंज करवाने। लेकिन चलो ठीक था जो था, अब तो वो है सब कुछ कराने के बाद। फिलहाल मुझे 9:30 हो चुके हैं यहीं पर ही। भाई साहब यहाँ पुलिस वाले क्यों खड़े थे? यहाँ तो होते नहीं वैसे खड़े, आज ही हैं खड़े हुए, पता नहीं क्या सीन है। एक तो जाम इतना है ना भाई यहाँ पे लगा हुआ, भाई हालत ख़राब होगी, ऊपर से गर्मी इतनी कि भाई क्या ही बोलूँ आपको यार। देख रहा चाचे तेरे को इतने हॉर्न मार रहे, चला है अपने उसमें। फिर से कल ही हम यहाँ से वापस गए थे और आज सुबह सुबह फिर हिमाचल में पहुँच गए। तो बस यहाँ से लेगा आधा घंटा अपने घर के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाएंगे घर और उसके बाद निकलेंगे भाई मंडी के लिए, और मंडी में चल के देखते हैं। बाकी भाई मैंने इसमें 500 रुपये का तेल डलवाया था रात को, और आप ये देख लो भाई बत्ती ब्लिंक करना शुरू होगी, पता नहीं क्या सीन है भाई। हिमाचल वापिस, तो खाना खुना खा के घर पे हम लोग निकल गए भाई मंडी के लिए। तो मंडी में मैं हो चुका भाई खतरनाक वाला ही लेट, लेकिन देखते हैं अब क्या सीन बनता है। हो जाए बस काम जिसके लिए आए हैं, नहीं तो भाई गुस्सा हो जाएगा। बाकी अभी मैं बाइक दे आया पापा जी की, तो अपने वाली छोड़ा है मैं वहीं, क्योंकि बाइक और थी भाई पूरी गंदी और तेल भी नहीं था, पैसे मेरे पास बचे नहीं है। तो फिर मैंने ही चकली वाले ही ठीक है भाई जी, काम निकालो काम। और चल वो जी, नहीं क्या आ गया बंदा पीछे देख रहा, खतरनाक ही बंदे हैं। थाल ले आई जा चाचा साला, गुस्सा दिलाई जा। भाई साहब इतनी सारी गाय पता नहीं कहाँ से आ गई है रास्ते पे, पीछे से देख रहा हूँ मैं कंटिन्यू है गाय 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 गाय, देखो ला
झुंड में चली यार, और ऊपर से ट्रैफिक इतना कि भाई हालत खराब। फिलहाल तो पहुंच गया है आपका भाई दनोट्टू के पास, बस यहाँ से 15 मिनट और। ये देखो बोला गाय, जहाँ देखो गाय वहीं गाय गाय गाय, पता नहीं यार कितनी गाय। ये देखो ऐसी कितनी हो आ रही भाई यहाँ पे। ये कहाँ आ रहा भाई गाड़ी वाला, आधे परे से आ रहे आधे यहाँ से आ रहे, ये क्या सीन है, अपने ही उससे चले बंदे, पता नहीं क्या ही चल रहा भाई। ओहो गड्डी वाले कितने नू आ रहा बीच, कर दो वे कर दो थोड़ी ही जगह भाई जी, हम पहले लेट है। तो गाइस फाइनली आपको भाई पहुंच चुका है मंडी में, तो यहाँ पे ढूंढते हैं पोस्ट ऑफिस कहाँ जैसे है। बाकी ये राम मंडी का मेन बाजार, बाकी यहाँ पूछते किससे भाई। सर सर पोस्ट ऑफिस किस साइड होगा, यहाँ यहाँ से ऊपर को, ठीक है जी थैंक यू। भाई जी पोस्ट ऑफिस कहाँ होगा, इस साइड को सीधा, ठीक है थैंक यू। साइड वाली गली में तो मैं पहली बार ही घुसा, अब पता नहीं किस साइड को होगा, चलते हैं आगे आगे और देखते हैं। वो मिल गया भाई सामने पोस्ट ऑफिस, चलते हैं अब अंदर देखते क्या सीन बनता, बस काम हो जाए जल्दी। तो गाइस फिलहाल तो पासवर्ड का काम हुआ नहीं, तो भाई उन्होंने बोला कि पासबुक लेके आओ, अब जाओ जहाँ मर्जी से लेके आओ, 4 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा वैसा। भाई बंदे ने सिर्फ वो ही करना था कि हाँ डॉक्यूमेंट अप्रूव ही करने थे, सब दिखा दिया मैंने जितने भी थे, बोलता नहीं जी ये है वो है फालतू ड्रामे। मैंने बोला सर मेरा इवेंट है कि उस चक्कर में मेरे को वो चाहिए, लेकिन नहीं इनको तो भाई अपनी वो दिखानी है ना भाई, सारो तुम्हारा इनाम होगा मंडी का इनाम होगा अगर कोई बंदा आगे पहुंच गया। ऐसे बंदे हैं जिनकी वजह से कि और बंदे ना ऊपर नहीं जा पाते उद्दू साले। अब फिर से जा रहा हूँ घर, अब देखता हूँ लेके आऊँगा, अब उसके बाद पता नहीं ऐसा ना हो कि लग जाए ड्रामे ड्रूमे करने कुछ और। गाइस फिलहाल मैंने ना घर जाके भाई पासबुक का काम करा लिया जो भी सीन था, तो पहले मैं गया घर वहाँ से पासबुक उठाई, फिर फोटो निकलवाई नई जो कि अभी की है, और जाके भाई बैंक में फिर वो लगाए स्टैम्प वगैरह जो भी लगने थे, अब पासबुक डाल के अब मैं फिर से जा रहा हूँ मंडी वापस। भाई आज का दिन तो ऐसा हो रहा ना कि पता नहीं क्या ही हो रहा है सुबह से भाई, दिमाग खराब। अब देखते हैं अब भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा काम, कोई पता नहीं है, लेकिन चलो हो जाए तो बेटर है, नहीं होगा तो फिर देखी जाएगी। तो गाइस फाइनली अपना काम हो चुका है कंप्लीट, तो निकलते हैं अब यहाँ से, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। अब यहाँ से निकलना है भाई हमने चंडीगढ़ के लिए वापस, तो यहाँ से निकलते हैं अब, पहले घर पहुँचते हैं बाइक उठाते हैं दूसरे वाली और फिर चलते हैं चंडीगढ़। तो गाइस यहाँ लगी है NS वाले के साथ रेस, तो भाई यहाँ स्प्लेंडर वर्सेस NS, लेकिन आपको बताया NS तो निकली जाएगी क्योंकि हमारे पास फिलहाल के लिए स्प्लेंडर है। बाकी भाई कॉल भी आ रही थी किसी की, पता नहीं किसकी है। तो गाइस सीन हो गया कुछ, मुझे लग रहा पुलिस ही पुलिस है, चेक करो ये क्या हो गया सस्ता। ओ फक एक्सीडेंट हो गया गाइस, नई गाड़ी ठोक दी। ओ भाई साहब सेंट्रो तो पूरी खत्म हुए, फक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया गाइस, चेक करा आपने। ये मुझे लग रहा है कहीं साइड से मोटर होना और वो परे से ठुक गए। ओ भाई बजे भी कहाँ को ओ एंड में जाके, ओ भाई साहब क्रेजी सीन होगा क्रेजी। मैंने सोचा पहले पुलिस का नाका नुक्का लगा होना इतने बंदे खड़े हैं, क्योंकि बीच में गाड़ी तो थी नहीं कुछ साइड में थी, लेकिन भाई क्या सीन होगा चेक करा आपने। पहुंच चुके हैं गाइस सुंदरनार में, और यहाँ पे लग चुका है जाम हर बारी की तरह, क्योंकि आज के लिए यहाँ मेला भी लगा है ना, इस साइड को पूरा मेला लगा है, तो भाई उस चक्कर में आपको पता है कि यहाँ पे दुगना तिगना जाम लग चुका है। भाई तो अब बेथार तो पूरी खत्म,
ओ भाई साहब ऐसा होगा क्रेजी भाजी, पता नहीं कहाँ भाई इतना किसी पुलिस ही पुलिस यहाँ पे अपने हिते भाई भी मिल चुके हैं हमें फाइनली, तो अब निकलते हैं यहाँ से चंडीगढ़ के लिए, बाकी देखते हैं आगे का सीन क्या बनता है। सामने का व्यू चेक करो भाई, क्या सुंदर आ रहा है भाई, ओ भाई क्रेजी ओ!